हेलो दोस्तों, आज मैं कैफ्री की स्टिचिंग दिखा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे प्रियंक टेलर यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए अब हम स्टिचिंग दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जेब की स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर दोस्तों एक जेब की स्टिचिंग मैं कर चुका हूँ, अब दूसरी जेब की स्टिचिंग आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, जेब के लिए कपड़ा 13 इंच लंबाई और 7.5 इंच चौड़ाई ले रहे हैं। दोस्तों, जेब का कपड़ा मैंने एक तरफ राउंड में काट लिया है। तो दोस्तों, राउंड वाली साइड में डबल सिलाई से हम पक्का कर लेंगे। तो दोस्तों, राउंड वाली साइड को हम ऊपर कमर की तरफ एडजस्ट करेंगे। दोस्तों, मैंने कटिंग वाली वीडियो में जेब में हाथ डालने के लिए 6 इंच पर कट लगाए थे। तो दोस्तों, उसी कट से ऊपर कमर की तरफ 1.25 इंच कपड़ा निकाल कर और हम कट से दूसरे कट तक सिलाई लगा लेंगे। अब हम उन्हीं कट पर दोबारा से कट लगा देंगे। अब हम यहाँ पर ये मार्जिन अंदर की तरफ पलट कर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ पर अब हम अच्छे से टाँकी बांध लेंगे। दोनों तरफ मुझे मजबूत टाँकी बांध देनी है। यहाँ पर मैं जेब वाली साइड डिजाइन के लिए एक ब्लैक पट्टी लगा रहा हूँ। मैं इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे और मुझे ध्यान देना है कि कहीं जेब के ऊपर सिलाई ना लग जाए। इस पर हम डबल सिलाई पक्की कर देंगे। यहाँ पर मेरे दोनों पीस तैयार हो चुके हैं। अब हम बॉटम फोल्ड करेंगे। इस तरह से बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पीस के बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे। बॉटम फोल्ड करते समय मुझे उल्टा और सीधे का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम दोनों पीसों को मिला करके यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मुझे लेस के लिए थोड़े से बीच में सिलाई नहीं लगानी है। अब हम यहाँ पर डबल सिलाई से पक्का कर देंगे। अब हम मोहरी की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोनों कपड़ों को मिलाकर सही से और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसको भी हम इस तरह से पक्का कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों कमर वाली साइड में हल्का सा लव की सिलाई से फोल्ड कर लेंगे।
अब मैं यहाँ पर इसमें इलास्टिक एडजस्ट करूँगा। इस तरह से मुझे इलास्टिक लेकर यहाँ पर इस तरह से पैर की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम दूसरी सिलाई में लेस डाल रहे हैं, मगर आप लोग चाहें तो बाद में भी लेस डाल सकते हैं, बाद में और अच्छे से भी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे एक सिलाई और लगा देनी है। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर तीन सिलाई लग चुकी हैं। मैं आशा करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसकी कटिंग हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, उसे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।